जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज डिस्कशन करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी को। जानेंगे 2024 में स्टॉक कैसा क्रमांक दिखा सकता है, क्या 2024 से इसमें पैसा बनाने का मौका मिलेगा या नहीं, और जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उनको आगे क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। शुरुआत हम लोग एकदम शुरू से करेंगे, बेसिक चीज़ें बताऊंगा, फिर काम फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें चार्ट पर भी मैं लेवल दूंगा आपको कहाँ पे क्या करना है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले काम से करते हैं, कंपनी क्या काम करे, ताकि जो नए व्यक्ति भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ये पता लग सके कंपनी का काम धाम कैसा है और काम के बेसिस पे क्या फ्यूचर्स में इसमें ग्रो मिलने के चांसेस रहेंगे कि नहीं। तो देखिए ये जो कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। और आपको मैं बताऊँ कि जितनी भी कंपनियाँ आजकल केमिकल के मार्केट में है जो केमिकल्स बनाती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है केमिकल बनाना, क्योंकि केमिकल का यूज लगभग हर एक चीज़ों में, हमारे खाने पीने से लेकर नहाने तक में केमिकल का यूज होता ही होता है। तो जो केमिकल के प्रोस्पेक्टिव से काम करने की कंपनियाँ, उसमें आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया सकता। साथ में अब चूँकि काम तो इंपॉर्टेंट है ही, अब इसके फंडामेंटल को डिस्कस करें, तकरीबन 500 करोड़ के आसपास, 500 से प्लस ही इसका मार्केट कैप। अब जब हम लोग पेनी स्टॉक की बात करते हैं, तो पेनी स्टॉक में हमारा विजन, जैसे मैं पहले भी बताया हुआ हूँ कि जो हमारा विजन होता है तकरीबन 250-300 करोड़ से ऊपर की कंपनी है तो ठीक होता है, यहाँ तो इसका जो वैल्यूएशन है 500 करोड़ के आसपास है, यानी कि ओवरऑल ये फंडामेंटल के हिसाब से भी ठीक है। और बाकी फंडामेंटल और भी चीज़ें देखना होता है वो भी देखेंगे, स्टॉक का पी देखेंगे तो आपको यहाँ पे पी 79 के आसपास देखेंगे, जो कि काफ़ी महंगा है, इसलिए हम लोग चार्ट पर लेवल देखेंगे और वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पर क्या करना है। पी को देख के हमें इसमें एंट्री और एग्जिट नहीं लेना है। अभी शेयर प्राइस देखेंगे तो 3.70 रुपये, जो कि बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ये बढ़िया बात है। बुक वैल्यू से हमेशा शेयर प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, और साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी और जो आरओसी है, ये अभी 4% और तकरीबन 7% के आसपास है। तो ओवरऑल मिला जुला का अभी तक जो फंडामेंटल हम लोगों ने देखा वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि पेनी स्टॉक में सामान्यतः इतना शानदार फंडामेंटल कम ही देखने को मिलता है, यहाँ पे और चीज़ें अभी तक जितना हम लोग देखा वो बढ़िया है। अब सीधे चलते हैं चार्ट पर लेवल को समझते हैं और फिर आगे और भी तमाम चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम कंपनी के एक साल के चार्ट पर आ गए, और एक साल के चार्ट पर देखिए ये लेवल जो है इसके लिए 4 रुपये का लेवल और 3.5 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को कह सकते हैं। ये हो गया सपोर्ट लेवल 3.5 रुपये का, और जो 4 रुपये का लेवल है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। बार बार प्राइस जब भी इसके ऊपर जाता है तो इजिली आपको 5 रुपये तक जाते हुए आपको यहाँ पे दिखा है, इसके ऊपर निकलने के बाद तो ऊपर निकलता है, लेकिन बार बार प्राइस फिर से इसी रेंज में आकर घूमने लगता है, जो ये 3.5 से 4 रुपये का लेवल है। तो अभी भी फिर देखेंगे तो प्राइस जब इसके बाद नीचे आया, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग था, इतना तेज यहाँ पे गिरावट हुआ, ये एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग था, हालांकि फिर भी प्राइस इस सपोर्ट के नीचे नहीं आया और इसके ऊपर ही फिर से प्राइस देखेंगे जाते हुए दिख रहा है। आपको क्या करना है, वेट करना है, वेट करना है। अभी आपको पता है कि इलेक्शंस भी अब शुरू हो रहे हैं, तो इलेक्शंस के जो बाजार है इसमें भी शेयर प्राइस में तेजी आने के चांस रहेंगे, तो यदि इस माहौल में इसका शेयर प्राइस ऊपर निकल गया तो इजीली आपको 5 रुपये के लेवल तक, फिर से आपको शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक जाते हुए दिख सकता है। और एक बात के लिए आप श्योर रहिए कि प्राइस जब भी निकलेगा तो इसके ऊपर ही निकलेगा, इस रेंज के नीचे आने के चांसेस कम है, थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो ट्रेंड रहेगा पॉजिटिव रहेगा और प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा। शॉर्ट टर्म में 5 रुपये तक के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, बाकी यदि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इसके लिए हम पिछले 10 साल का डाटा ओपन करते हैं, 10 साल में कुछ मेजर अपडेट है नहीं। 5 रुपये के ऊपर निकलेगा तो ये इसके लिए लेवल बनेगा 8 रुपये के आसपास, हालांकि सबसे ऊपर इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा ये 10 रुपये के आसपास, 10 रुपये तक प्राइस आ सकता है, पहले 5 रुपये के लेवल को निकलने दीजिए। अब बात करते हैं कि किसी को इसमें एंट्री और एग्जिट करना है तो वो क्या करेगा। देखिए एंट्री करने का तो अभी कोई इसमें लॉजिक नहीं है जब तक कि प्राइस 4 रुपये के ऊपर ना निकले, इस रेंज में आप यदि एंट्री कर भी लेते हैं तो फिर इसी में फंसे रहिएगा, आपको इसमें कुछ पैसा बनाने का मौका मिलेगा नहीं, इसलिए अभी एंट्री मत लीजिए। और जिसके पास पैसा इसमें जिन्होंने लगाया हुआ है उन्हें भी अभी वेट करने की सलाह दी जाए, क्योंकि मान लीजिए यदि आपको ऊपर निकलेगा बेचेंगे तब फायदा होगा, नीचे निकलने के चांसेस नहीं, और इसमें बेच के करेंगे क्या, इसमें आप बने रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, प्राइस जैसे ऊपर निकलेगा बेचने चाहते तो बेच के निकल सकते हैं। बाकी जिसके पास पहले से है उनको मैं यही सलाह दूंगा, अभी हड़बड़ाइए मत, धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे तो इसमें पैसा बनेगा। ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसका आप बैलेंस शीट देखेंगे तो पाएंगे कि इस स्टॉक में डेप्ट सिर्फ नाम मात्र है, सिर्फ 8 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कर्ज है। पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने लगातार अपने डेप्ट को कम किए हैं, और डेप्ट सिर्फ कम नहीं हुआ बल्कि इसके साथ साथ जो कैश पैसा होता है, जो रिजर्व पैसा होता है कंपनी का, वो आपको बढ़ते हुए दिखा। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर के जो नंबर आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, और साथ में इसमें कंपनी अपना प्रॉफिट भी बढ़ाते हुए दिख रही है। तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास कर्जे नहीं रहेंगे, और कर्जे नहीं रहेंगे तो जो प्रॉफिट का पैसा आएगा कंपनी उसका यूज करेगी बिजनेस को ग्रो करने में। बिजनेस ग्रो होगा तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑटोमेटिक आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा ही दिखेगा। तो विकास इकोटेक जिस सेक्टर में काम करता है उस सेक्टर का ही ओवरऑल भविष्य
काफ़ी शानदार है और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसके काम को समझते हैं तो इसमें तरक्की मिलने के हमें उम्मीद नज़र आते हैं। इसलिए विकास इकोटेक में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट है तो इसमें समय दीजिए। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो अपडेट मैंने यहाँ पर दी आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।